हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुरेश कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। मतलब कि सुरेश किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अपन से कि महेश हु इज 1/5 टाइम्स मोर एफिशियंट एज सुरेश। मतलब सुरेश की एफिशियंसी से 1/5 टाइम मोर, मोर जहाँ भी जुड़ जाता है वहाँ क्या हो जाता है कि ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर में प्लस होके मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि महेश की जो एफिशिएंसी है वो सुरेश की एफिशिएंसी का कितना, 6/5 टाइम है। ठीक है, यहाँ से मैं महेश और सुरेश की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूँ तो 6/5 आएगा। अब एक चीज़ सबने पढ़ी होगी कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो टाइम का होता है। मतलब ये अगर एफिशिएंसी है और टाइम का रेशियो निकालें अपन तो ये 5/6 हो जाएगा। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि सुरेश को अगर 6 दिन काम करने में लग रहे हैं तो महेश को 5 दिन ही लगेंगे। अच्छा, सुरेश को एक्चुअल में कितने दिन लग रहे हैं, 42 दिन। मतलब 6 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 42। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 7 35। यही तो अपन से क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स डे सुरेश को महेश को लग रहा है तो अपन से एक्स की वैल्यू बतानी कितनी आ गई, 35।